हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डिफरेंस। देखिए, आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा स्पेशल और थोड़ा सा आप सभी लोगों के लिए अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स है जो आप सभी फाउंडर्स को जानने बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है, ज़रूरी है। काफ़ी सारी चीज़ें बार बार रिमाइंड कराई गई हैं, आप लोगों को याद दिलाई गई हैं, देन उसके बाद कुछ चीज़ें रिपीट हुई हैं, जिसकी वजह से हमारे जो ग्लोबल लीडर हैं उनको आप सभी लोगों तक कुछ गाइडलाइंस पहुँचाने के लिए वीडियोज़ तक बनाई गई हैं, बट उसके बाद भी कुछ चीज़ें रिपीट हुई हैं। तो ये जो वीडियो है आज उन प्रोटोकॉल्स के लिए बनाया गया है जो आप सभी फाउंडर्स को जानने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, और जितने आप लोगों के लिए जानने ज़रूरी हैं इतने ही आप सभी फाउंडर्स के लिए फॉलो करने भी ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आप इनको फॉलो नहीं करोगे तो शायद इन फ्यूचर बहुत बड़ी ट्रबल आप भी फेस कर सकते हैं, सभी फाउंडर्स भी फेस कर सकते हैं। ओन पैसिव एक अलग ही फेस में जा चुकी है, तो आइए डिस्कस करते हैं वो प्रोटोकॉल्स क्या हैं। सो फाउंडर्स, देखिए जो सबसे पहला प्रोटोकॉल है वो ये है कि हम सभी फाउंडर्स मीटिंग को ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो हमने किसी भी मीटिंग में किसी भी लीडर का वहाँ पर फ़ोटो किसी भी बैनर में नहीं लगाना है। यानी आप सभी लोगों को पता है कि पिछली बार जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं तो बहुत सारे बैनर बनते हैं और उन बैनर्स में हम ग्लोबल लीडर्स की फ़ोटो पेस्ट करते हैं, देन उसके बाद हमारे जो कंपनी के CEO हैं उनका भी फ़ोटो वहाँ पर पेस्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को हमने बिल्कुल भी रिपीट नहीं करना है, और ये स्ट्रिक्ट गाइडलाइन आई है ASR की तरफ से भी आई हुई हैं, और आप सभी लोगों को पता है गुशविंदर सर और जस्सी सर भी इन चीज़ों को बार बार हाईलाइट कर चुके हैं वीडियोस और पोस्टर्स के थ्रू। तो इन चीज़ों को बिल्कुल भी रिपीट नहीं करना है। सबसे पहली गाइडलाइन हम सभी लोगों के लिए यही है कि आज के बाद कोई भी बैनर्स में किसी भी लीडर की या फिर किसी भी कंपनी के CEO की यानी ASR की फ़ोटो को बिल्कुल भी वहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप लोगों ने किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना है तो वो कंपनी का लोगो है, यानी ओन पैसिव का लोगो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओन पैसिव का फ़ोटो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट कोई भी किसी भी लीडर की फ़ोटो वहाँ पर पेस्ट नहीं करेगा। एंड माई फाउंडर्स, जो हम सभी लोगों के लिए जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल है, जो सेकंड प्रोटोकॉल है, गाइडलाइन है, वो ये है कि हम सभी फाउंडर्स ने इस चीज़ को अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लेना है कि हम ओन पैसिव को किसी भी अनदर कंपनी के साथ कंपेयर करके बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि जब गूगल बना था तो वो किसी को देख कर गूगल नहीं बना था, जब जूम अपने आप में बन रही थी तो वो किसी को देख कर नहीं बनी थी। इसी तरह आप किसी भी ब्रांडेड कंपनी का अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं तो जब वो बने थे, अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहे थे, तो उन्होंने किसी को देखकर वो नहीं बने थे। और यही जो ओन पैसिव है, हमारी कंपनी है, इसी तरह ओन पैसिव भी है। ओन पैसिव किसी को भी देखकर नहीं बन रही है, तो जो सारी की सारी चीज़ें ओन पैसिव में आज डेवलपमेंट आप देख रहे हैं वो किसी को हम कॉपी नहीं कर रहे हैं। जो हमारे CEO हैं वो खुद इस चीज़ को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, तो हम फाउंडर्स को भी इन चीज़ों को समझना चाहिए कि हम ओन पैसिव को किसी भी अनदर कंपनी के साथ बिल्कुल भी कंपेयर करके इक्वल करके नहीं देख सकते हैं। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है फेसबुक बनने आई है, ओन पैसिव बनने आई हैं, तो बेहतर रहेगा कि हम किसी भी अनदर कंपनी के साथ ओन पैसिव को कंपेयर करके बिल्कुल भी ना देखें। एंड इन चीज़ों के लिए बिल्कुल स्ट्रिक्ट गाइडलाइन आई है ASR की तरफ से भी, और जो हमारे ग्लोबल लीडर्स हैं वो भी इस चीज़ को बार बार बता चुके हैं कि जो पोस्टर्स हम लोग बनाते हैं बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर हम लोगों ने वो पोस्टर्स बनाने हैं, उसमें ऐसा कोई भी जो आप पोस्टर बनाते हैं उसमें ऐसा कोई भी गाइडलाइन नहीं शो होनी चाहिए कि आप ओन पैसिव को किसी अनदर कंपनी के साथ कंपेयर करके देख रहे हैं, या फिर जो हमारे CEO हैं CEO के साथ किसी अनदर फाउंडर या फिर CEO को आप वहाँ पर जोड़कर देख रहे हैं, तो ये चीज़ें बहुत गलत डायरेक्शन में चली जाती हैं। इन चीज़ों को हमने बिल्कुल भी नहीं करना है। तो सेकंड गाइडलाइन हम सभी फाउंडर्स के लिए यही थी। एंड माय डियर फ्रेंड, जो थर्ड प्रोटोकॉल है, जो थर्ड गाइडलाइन है हम सभी फाउंडर्स के लिए, वो ये है कि हम सभी लोगों ने जो अपना बिहेवियर है वो बहुत ही ज़्यादा अब अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि जो इंटरनेट है, इस इंटरनेट पे कुछ भी हाइड नहीं होता है, सब कुछ दिखाई देता है, कुछ भी यहाँ पर हाइड नहीं होता। एंड इसी तरह इस प्रोटोकॉल में ये भी चीज़ ऐड होती है कि देखिए, आज से पहले हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हैं, मिलकर करी हैं, और अब जो हम एक्टिविटीज़ करेंगे यानी जो मीटिंग्स होते हैं या फिर जो प्रोग्राम्स हम कंडक्ट करते हैं, वो अब जो प्रोग्राम्स कंडक्ट करने थे तो वो हम ASR की गाइडलाइन के थ्रू ही उन चीज़ों को कंडक्ट करेंगे। अगर उनके बिना परमिशन के हम कोई प्रोग्राम करते हैं तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें बिल्कुल गलत डायरेक्शन में चली जाती हैं। तो अगर हम कोई प्रोग्राम करते हैं तो उन चीज़ों को आप कंसल्ट करें, या तो आप ग्लोबल लीडर्स के साथ डिस्कशन करें, या फिर आप मेल कीजिए ASR को। बट अगर आपके पास प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं है प्रोग्राम्स की, तो प्लीज़ आप पर्सनल लेवल पर कोई भी प्रोग्राम ना करें, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ये आप बिल्कुल अपने
बेटर हाफ पर बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, बहुत अच्छी इंटेंशन से करते हैं, बट आप सभी लोगों को पता है कि ओन पैसिव आज एक ग्लोबल ब्रांड बन चुकी हैं, तो जो सारी की सारी चीज़ें हैं छोटे से छोटा एक्शन यहाँ पर एक उसका बड़ा रिएक्शन बन जाता है, तो सारी की सारी चीज़ें हमने बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से करनी है। अगर कुछ भी आप लोगों ने प्रोग्राम या फिर कुछ मीटिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ करनी है तो आप सभी ग्लोबल लीडर से कंडक्ट करें कि क्या आप उन चीज़ों को कर सकते हैं या नहीं कर सकते, एंड इसमें कुछ भी बुराई नहीं है। अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो आप डिस्कस कीजिए लीडर से। एंड माय डियर फाउंडर्स, अभी जो लास्ट प्रोटोकॉल है, जो लास्ट आप सभी लोगों के लिए गाइडलाइंस है, आप सभी लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी और सभी यूट्यूबर्स के लिए भी, वो गाइडलाइन ये है कि जो हमारा बिहेवियर है वो सारी की सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। अगर आप किसी वीडियो पे कमेंट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप कमेंट कर देते हैं तो वो देखे नहीं जा रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें वॉच होती हैं, रिव्यूज़ होती हैं, तो इन चीज़ों को बिल्कुल भी आप लोगों ने अपने आप को गलत लेवल पर रिप्रेजेंट नहीं करना है, ना ही आपने गलत कमेंटिंग करनी है, ना ही आप लोगों ने किसी को लेट डाउन करने के लिए कुछ गलत कमेंट्स कर देते हैं, तो इन चीज़ों को आप लोगों ने अपनी एक्टिविटीज़ पर थोड़ा सा नज़र रखनी है। और आप सभी लोगों को पता है कि ओन पैसिव एक नेक्स्ट फेज पर आ चुकी है, यहाँ पर कुछ भी हाइड नहीं है, और हाइड आप सभी लोगों को पता है कि इंटरनेट पर कुछ भी नहीं होता है, तो अपनी एक्टिविटीज़ पर थोड़ा सा आप नज़र डालिए एंड मेक श्योर कुछ ऐसी चीज़ें ना करें जो आप सभी लोगों को इन फ्यूचर आप लोगों को हार्म पहुँचाए या फिर आपकी जो ओन पैसिव में अस्तित्व है उसको बिल्कुल भी मतलब एक नेक्स्ट लेवल पर आप लोगों को हार्म पहुँचाए, तो ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ मेक श्योर आप ना करें। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ प्रोटोकॉल्स ये जो हम सभी फाउंडर्स को फॉलो करने हैं, एंड बार बार इन चीज़ों को पोस्टर्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू ग्लोबल लीडर्स ने भी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी थी, एंड मेरा भी मोटिव इस वीडियो को यही बनाने का था कि आप सभी लोगों तक ये जो प्रोटोकॉल्स हैं सेफली आप लोगों तक पहुँचाए जाए। सो माय डियर फ्रेंड्स, यही मैं अपनी वीडियो को समाप्त करना चाहूँगी, एंड माय डियर फ्रेंड्स इस वीडियो को सभी फाउंडर्स तक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स ये जो प्रोटोकॉल है सभी फाउंडर्स के लिए जानने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे फाउंडर्स हैं जिनको जाने अनजाने में चीज़ों का नहीं पता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेक श्योर इस वीडियो को सभी फाउंडर्स तक शेयर करें, एंड माय डियर फ्रेंड्स इसी के साथ मैं मिलती हूँ आप सभी लोगों को अगली वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, धन्यवाद। वी आर सो इन इट टू विन इट।